तो यार बहुत दिन हो गए तुम्हें कोई बड़ा वीडियो डिलीवर नहीं किया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। तो इसीलिए आज हम देखेंगे टॉप 20 हारे महीने में जो तुम्हें देखने ही देखने चाहिए अगर तुम्हें हारे महीने में देखना पसंद है तो। अब देखो मैंने इन एनिमे को रैंक नहीं किया है क्योंकि मुझे ये सारे ही सही लग रहे थे, लेकिन फिर भी वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें उन 5 एनिमे के नेम जरूर बता दूंगा जो बाकी के एनिमे के कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं है। ध्यान से सुन लेना, उतने अच्छे नहीं है बोल रहा हूँ मैं, टॉप 5 मत सुन लेना। नंबर 1 पेट गर्ल ऑफ साकुरा साओ। अगर तुमने नया नया एनिमे देखना शुरू किया है या फिर अभी तक तुमने ज्यादा हाई स्कूल एनिमे नहीं देखे हैं तो ये एनिमे तुम्हारे लिए काफी बढ़िया चॉइस हो सकता है क्योंकि इसमें तुम्हें काफी चीजें देखने मिलेंगी, जैसे कि जापान के स्कूल कैसे वर्क करते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के लाइफ के प्रॉब्लम यहाँ से कितने और कैसे अलग होते हैं। ओवरऑल बात करूँ तो ये एनिमे तुम्हें होलसम वाली फील दे जाएगा। और हाँ, हारेम एनिमे की बात चल रही थी तो ये हारेम तो है ही। अब अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो वो सेट है साकुरा हॉल में। साकुरा हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स साकुरा हॉल में रह रहे हैं वो किसी ना किसी फील्ड में एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। लेकिन बात करें प्रॉब्लम्स की तो उनके भी लाइफ के प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं जैसे कि किसी नॉर्मल स्टूडेंट के होते हैं। वो किसी को पसंद करते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, रिजेक्शन का डर है। वो लाइफ की रेस में फेल हो रहे हैं लेकिन दौड़ना नहीं छोड़ रहे क्योंकि उनके पास उसी घर में वो इंसान भी मौजूद है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। नंबर 2 क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स। हाई स्कूल स्टूडेंट पोतारू वैसे तो अपने स्कूल का टॉपर है लेकिन फैमिली पर चलते कर्जे की वजह से उसकी एवरीडे लाइफ काफी हार्ड है क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में वो अच्छा खाना भी नहीं खा सकता। लेकिन आज उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे उसकी एंड उसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ खत्म हो सकती हैं। उसे एक रिच फैमिली ने अपने बच्चों के लिए एज अ ट्यूटर हायर किया है और ये उसे 5 times ज्यादा पैसे देने को तैयार है करंट मार्केट प्राइस से। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिस लड़की को फोतारू पढ़ाने वाला है आज उससे फोतारू की आर्ग्यूमेंट हो गई थी, जिसके बाद लग नहीं रहा वो इसको एज अ ट्यूटर रखने के लिए हाँ करेगी। लेकिन फिर भी आखिरी उम्मीद के साथ उसके घर पहुंच जाता है और वहां जाके उसके सर पर एक और बम फटता है। उसे पता चलता है ये लड़की अकेली नहीं है जिसे उसे ट्यूशन देनी है, उसकी 4 बहनें और हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है, इन 5 में से एक भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई करने में और ये इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आई है क्योंकि ये पहले ही एक बार हाई स्कूल को फेल कर चुकी है। तो अब तुम्हें देखना ये है, क्या फोतारू इन सबको ग्रेजुएट करवा पाएगा और फोतारू का रोमांटिक एंगल क्या होगा। नंबर 3 सायकानो हाउ टू रेज अ बोरिंग गर्लफ्रेंड। सायकानो की लाइफ में मांगा एंड नॉवेल्स की बहुत बड़ी अहमियत है। वो जब भी कोई नोवेल या मांगा फॉलो करता है तो वो खुद को उसके कैरेक्टर्स से इतना अटैच कर लेता है, उसकी एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज भी उस कैरेक्टर के नेचर के हिसाब से बदल जाती हैं। और यहाँ तक कि वो ये भी चाहता है दुनिया का हर इंसान मांगा एंड नोवेल को लेकर उसी की तरह फील करे। और अपना ये ड्रीम अचीव करने के लिए वो अभी तक का बेस्ट विजुअल नोवेल गेम बना रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जो उसके गेम की ड्रीम हीरोइन है अभी तक उसके पास उसके कैरेक्टर को लिखने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है, पर आज लकीली टोमोया को एक ऐसी लड़की दिख गई है जो हमेशा उसके सपनों और उसके नोवेल की ड्रीम हीरोइन है। तो अब टोमोया उसके अपीयरेंस से अपने कैरेक्टर को लिख सकता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती, एक बात थी जो उसे तब तक रियलाइज नहीं हुई जब तक वो लिखने नहीं बैठा, वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह कागज पर उतार ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसने खुद कभी लव को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो अब तुम्हें देखना है, क्या टोमोया वापस से उस लड़की से मिल पाएगा जिसे उसने देखा था और क्या उसका नोवेल पूरा हो पाएगा। नंबर 4 रेंट अ गर्लफ्रेंड। देखो इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी काजुया की, जिसका ब्रेकअप हो गया। आज वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी, उसे अकेलापन खाने को दौड़ रहा था। तभी उसे इंटरनेट पर एक कमाल की चीज दिखाई पड़ती है, एक वेबसाइट जहाँ से आप अपने लिए रेंटल गर्लफ्रेंड हायर कर सकते हैं। काजुया को पता था ये गलत है लेकिन वो ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता और अपने लिए रेंटल गर्लफ्रेंड की बुकिंग कर लेता है और अगले ही दिन उसके साथ डेट पे भी चला जाता है। अब इनकी इस डेट के बीच कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं या फिर तुम कह सकते हो ये कुछ ऐसे लफड़ों में फंस जाते हैं जिनके चक्कर में काजुया को बार बार मिजुहारा को रेंट करना पड़ रहा है। और ऐसे ही बार बार कुछ चीजों के चलते एक दूसरे से मिलते मिलते काजुया को तो भाई हो गया है इससे ट्रू वाला लव। अभी तुम समझ रहे हो ये कितना खत्म मामला है, इस लौंडे को पहले घंटे के हिसाब से लड़की को अपने साथ रखने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और फिर उसे घुमाने में अलग से खर्चा कर रहा है और फिर उसके बाद अपनी जॉब भी कर रहा है। तो देखो कुल मिला के बात करूं तो इस एनिमे से तुम स्टोरी के मामले में कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ किसी एनिमे को देखकर मजे लेने हैं तो फिर इससे तुम जितना चाहो उतना एक्सपेक्ट करो, मजे दिलाने के मामले में ये बिल्कुल कंजूसी नहीं करता। और हाँ एक बात और सुन लो, ये एनिमे हिंदी में भी अवेलेबल है, इसका season 1 एंड season 2 प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है एंड season 3 क्रंची रोल पर अवेलेबल है। तो तुम चाहो तो इसे हिंदी में भी देख सकते हो।
नंबर 5 100 गर्लफ्रेंड्स हु रैली 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 लव्स यू। तो यार ये एनिमे तो ट्रेंडिंग में रहा था और शायद इसके बारे में तुम्हें पता भी होगा। एक लड़का जिसको 99 गर्ल्स रिजेक्ट कर चुकी है, उस पर ऊपर वाले की कृपा होती है, उसको वरदान मिलता है, वो अपने हाई स्कूल में 100 गर्लफ्रेंड्स से मिलेगा जो उससे आके अपना लव कन्फेस करेंगी। लेकिन रुको जरा, कहानी में जरा बहुत बड़ा वाला ट्विस्ट है। इस लड़के के साथ भी वही हुआ है जो उन सभी के साथ हुआ जिन पर ऊपर वाले की कृपा हुई थी। एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गए हैं गॉड साहब, अगर इस लड़के ने किसी भी लड़की को रिजेक्ट किया तो वो लड़की मर जाएगी। तो अब आज ये कैसे डिसाइड करेगा किसको मारना है किसको जिंदा रखना है, वो भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ उसे हर अगली उतनी ही अच्छी लग रही है जितनी पिछली लग रही थी। तो भाई कुल मिला के बात करूँ तो ये एनिमे भी कतई जहर है, देखो इसे और मजे करो। नंबर 6 यामाना-कुन एंड द 7 विचेस। ये काफी इंटरेस्टिंग एनिमे है, जिसने देखा है उसे पता होगा। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है यामाना की, जो कि अपनी लाइफ से बोर हो चुका था, लेकिन आज उसके साथ कुछ गजब ही हो गया है। वो अपने स्कूल की सीढ़ियों से फिसल गया था और जब वो स्लो मोशन में नीचे लैंड कर रहा था तो उसने स्कूल की टॉप स्टूडेंट सिराइसी को भी अपने साथ ले लिया और नीचे आते आते वो कुछ इस हालत में थे। और तभी यामाना को अपने बारे में एक बात पता चलती है, अगर वो किसी को किस करेगा तो वो उसके साथ बॉडी स्वैप कर सकता है। और जैसे ही इन दोनों को ये बात पता चली है, इन दोनों ने डिसाइड किया है वो अपनी इस एबिलिटी से स्कूल में बवाल मचा देंगे। भाई एक बार तो मेरा भी सर घूम गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कौन किसकी बॉडी में मजे ले रहा है। अब देखो इन सारी चीजों को साइड कर दिया जाए तो एक काम की बात सुनो, अगर तुम इस एनिमे को देखने वाले हो तो ये उस तरह का एनिमे नहीं है जहाँ तुम्हें फर्स्ट एपिसोड से आरएम देखने मिलेगा, एकदम लास्ट के एपिसोड तक जाते जाते इसमें आरएम फॉर्म होगा। पहली नजर में पहला प्यार नहीं होगा। और हाँ, अगर तुम्हें कोकोरो कनेक्ट वनी गर्ल जैसे एनिमे देखना पसंद है तो इसके अंदर भी तुम्हें वैसा ही फिनोमेना मिलेगा, जिसका कनेक्शन उन विचेस से होगा जो इस एनिमे के नेम में मेंशन है। नंबर 7 निसिकोई फॉल्स लव। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हाई स्कूलर राकू की। राकू बचपन से ही अपने साथ एक ताला लिए घूम रहा है जिसकी चाबी उस लड़की के पास है जिससे उसने बचपन में प्रॉमिस किया था वो फ्यूचर में एक बार फिर से साथ होंगे। लेकिन अगर अभी की बात करी जाए तो ये बंदा अपनी क्लासमेट ओनोडेरा के साथ होना चाहता है क्योंकि क्रश है वो उसकी। लेकिन होता इसके साथ भी वही है जो सबके साथ हो रहा है, लग गए हैं बेचारे के। इसके बाप ने इसकी शादी एक ऐसी लड़की के साथ फिक्स कर दी है जिसे ये सही से जानता भी नहीं है। देखो बात ये है, राकू है यकूजा गैंग के बॉस का बेटा और राइवल गैंग के साथ उनके रिश्ते अभी कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। तो राकू के फादर ने शांति बनाए रखने के लिए दुश्मन गैंग के बॉस की बेटी से उसकी शादी फिक्स कर दी है। तो अब तुम्हें देखना है ये जो राकू के आसपास इतना सारा रायता फैला है ये कैसे सिमटेगा। एक लड़की से उसने बचपन में ही प्रॉमिस कर रखा है कि वो फ्यूचर में साथ में होंगे, एक लड़की उसे अभी पसंद है जो उसके ही क्लास में है, एंड एक लड़की से उसकी शादी फिक्स हो गई है, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है अब जिससे उसकी शादी फिक्स हुई है उसके साथ रहते रहते उसे वो भी पसंद आने लगी है। तो कुल मिला के बात ये है, इस आदमी के सामने 3 लड्डू हैं और इसे तीनों ही चाहिए। अब इसका क्या होगा वो तुम एनिमे देखो और पता लगाओ। नंबर 8 द कैफे टेरिस एंड इट्स गॉडेसेस। टोक्यो में रह रहे हयाटू कासुकावे को जब पता चला उसकी दादी की डेथ हो गई है तो उसे वापस अपने होम टाउन लौटना पड़ा उस कैफे के लिए जो उसकी दादी अपने पीछे छोड़ गई थी। वो उस कैफे की जगह पार्किंग लॉट बनाना चाहता है, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे पता चला उसकी दादी के साथ यहाँ पर 5 लड़कियाँ भी रह रही हैं। तो अब अगर उसे ये कैफे तोड़ना है तो पहले इन 5 लड़कियों को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। और ये लड़कियाँ यहाँ पर इसलिए रह रही हैं क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है, हयाटो को इन्हें बाहर निकालना है और ये लड़कियाँ कहीं जा नहीं सकती। तो अब ये 5 लड़कियाँ ऐसा क्या क्या कर सकती है जिससे ये एक लड़के से अपनी बात मनवा लें, ये तुम जानते हो। और अगर नहीं जानते तो ये इमेज देख के समझ जाओ। अब इसका प्लॉट सुन के तुम्हें लग रहा होगा ये कोई टिपिकल सा इची जॉनरा का एनिमे है जिसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं होती, घूम फिर के वही इची सीन्स दिखाते रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये 5 गॉडेसेस इसमें सिर्फ ये करने के लिए नहीं है, उनका पास्ट भी है, सपने भी है और पर्सनल लाइफ भी है। और ये सारी चीजें मिलके इस एनिमे को एक रोमांटिक एंगल प्रोवाइड करती है। नंबर 9 टू लव रू। रीटो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसकी भी लाइफ वैसी ही है जैसे कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट की होती है। वो किसी लड़की को पसंद करता था, उसे ये बताना भी चाहता था लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर एक दिन जब एक लाला नाम की लड़की अचानक से रीटो के बाथ टब में अपियर हो गई, उस दिन के बाद उसकी लाइफ एकदम से बदल गई। ये लड़की किसी दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर भागकर आई है क्योंकि इसका बाप इसकी शादी किसी ऐसे लड़के से करा रहा था जो आगे जाके उसकी जगह वहाँ का राजा बन जाए। अब लाला वहाँ वापस जाना नहीं चाहती तो उसने डिसाइड किया है उसका बाप उसकी शादी किसी से कराए, उससे पहले ही वो रीटो से शादी करके ये लफड़ाई खत्म कर देगी। तो ये रोमांटिक कॉमेडी है जिसके अंदर तुम्हें क्यूट गर्ल्स देखने मिल जाएंगी। वैसे क्यूट ना बोलो तो ही अच्छा रहेगा, कोई और वर्ड मिल जाए तो बेटर है क्योंकि क्यूटनेस एक ब्यूटीफुल वर्ड है। और ये एनिमे मास्टरपीस है फैन सर्विस के मामले में, जो फिजिक्स के सारे लॉज की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ता है, तो क्यूट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। नंबर 10 ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम। लियोन जो कि एक ऑफिस वर्कर है, उसकी बहन ने उसे फोर्स किया है डेटिंग सिम वीडियो गेम खेलने के लिए और इस गेम को कम्प्लीट करते ही उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद वो इस गेम के अंदर पहुंच गया है। और यहां पहुंचकर उसने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया है जिन्हें बड़े लोगों
गांव की तरह ना खाने को मिलता है ना ही रहने को। लेकिन मजे की बात ये है, लियोन ने ये पूरा गेम पहले से ही खेल रखा है तो उसे इसके बारे में सब पता है। तो अपनी नॉलेज और चीट कोड का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो वो गेम का सबसे पावरफुल वेपन अपने अंडर लेता है, जिसके बाद अल्टीमेटली वो गेम का सबसे पावरफुल पर्सन बन गया है। अब देखो, इस गेम की दुनिया के अंदर फीमेल को सुप्रीम माना गया है, तो लड़कों को किसी लड़की के साथ होने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है, जिसके बाद डजन्स ऑफ लड़कों में से वो लड़की किसी एक लड़के को पसंद करती है। और दूसरी तरफ है लियोन अपना हीरो, जिसके साथ लड़की नहीं लड़कियां होना चाहती हैं, वो इनको भाव नहीं देता। तो ये भी रोमकॉम एनिमे है, जिसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी देखने मिलेंगी और थोड़ा बहुत एक्शन भी मिलेगा। ये एनिमे हिंदी में क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। नंबर 11, हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। टाकुमा साकामोटो अपने फेवरेट गेम के अंदर पहुंच गया है और वहां जाकर वो उसी कैरेक्टर की बॉडी में है जिसे वो प्ले करता था, द डीमन लॉर्ड डायब्लो। अब यहां पहुंचते ही दो लड़कियां उस पर एक स्पेल कास्ट कर रही हैं, जिससे वो उनका स्लेव बन जाए। लेकिन टाकुमा की मैजिकल रिंग के चलते जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जो उसको अपना गुलाम बनाने आई थी वो उसकी गुलाम बन चुकी है, जिसमें से एक एल्फ गर्ल है और एक कैट गर्ल। अब देखो, ये बात सही है, टाकुमा ने ये गेम खेल रखा है तो उसे इसके बारे में सब पता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ह्यूमंस के तरीकों से सर्वाइव करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उसने डिसाइड किया जब तक वो रियल वर्ल्ड में पहुंच नहीं जाता तब तक के लिए वो डीमन लॉर्ड डायब्लो ही है। वो यहाँ पर रहते हुए वो सब कुछ करेगा जो कि एक डीमन लॉर्ड को करना चाहिए। तो अब आगे जाके अपनी इस नई लाइफ में वो और कितनी गर्ल से मिलता है और उनकी लाइफ का लॉर्ड बनता है, देखो इस एनिमे को पता लगाओ। इस एनिमे के दो वर्जन अवेलेबल है, सेंसर्ड एंड अनसेंसर्ड। तुम कौन सा देखना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। वैसे ये कोई सवाल नहीं था, 100% लोग सेकंड वर्जन के साथ जाएंगे। नंबर 12, 2.5 डायमेंशनल सेडक्शन। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हाई स्कूलर मासामुने ओकुमुरा की। ओकुमुरा हाई स्कूल मांगा क्लब का प्रेसिडेंट एंड इकलौता मेंबर है। इस आदमी को 3D गर्ल्स यानी कि असली दुनिया की लड़कियों पर भरोसा नहीं है, इसके हिसाब से वो धोखेबाज होती है एंड इसके लायक नहीं है। तो ये बंदा टिपिकल ओटाकू है जो कि 2D मांगा कैरेक्टर लीलियल से ऑब्सेस्ड है, इसको अपने लिए ये चाहिए। लेकिन इस बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है उस सीन के साथ, जहां एक जिंदा एंड 3D लड़की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रीरिसा मांगा क्लब का डोर ओपन करके इसके लाइफ में भी एंटर कर जाती है। रीरिसा भी इसकी तरह ओटाकू है, उसने ये क्लब ज्वाइन किया है क्योंकि वो कॉस्प्ले करना चाहती है। अब तुम गैस करो उसका फेवरेट मांगा कैरेक्टर कौन हो सकता है, भाई वही कैरेक्टर जिसके लिए ओकुमुरा पागल है, लीलियल। तो कुल मिलाकर ये लड़की 18+ मांगा की कैरेक्टर को ओकुमुरा के लिए एक तरह से जिंदा करने वाली है और वो चाहती है ओकुमुरा उसका फोटोग्राफर बन जाए। अब देखो, अगर तुमने ध्यान दिया है तो मैंने 18+ मांगा कैरेक्टर बोला था, तो बात को समझ रहे हो ना, फैन सर्विस का लेवल इस एनिमे में अलग ही लेवल पर होगा। अब तुम सोच रहे होगे भाई इसमें हारेम कहाँ है, तो भाई हारेम है इसमें, उसके लिए तुम एपिसोड्स देखते जाना तुम्हें मिल जाएगा। नंबर 13, हागनाई आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। कोडाका को नए स्कूल में आने के बाद लग रहा था अब उसकी लाइफ भी बेटर होगी, पहले की तरह वो अकेला नहीं रहेगा, उसके भी दोस्त होंगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है और इसका मेन रीजन है उसके ब्लॉन्ड हेयर, जिनकी वजह से स्कूल के पहले ही दिन पर उसका इम्प्रेशन ही खराब हो गया। उसे टैग दे दिया गया वायलेंट पर्सनैलिटी का। अभी उसे इस स्कूल में आए पूरा एक महीना निकल चुका था लेकिन फिर भी वो अकेला ही था। लेकिन आज उसे फाइनली एक ऐसी लड़की दिख गई जो कि उसी के जैसी है, उसका भी कोई फ्रेंड नहीं है, वो हमेशा ही अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स के साथ बात करती रहती है। तो ये सब होने के बाद अब वो एक दूसरे के संगी साथी बन गए हैं और शुरू किया एक क्लब जिसमें वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में किसी का साथ चाहिए। किस तरीके से चाहिए वो कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है। अब देखो, ये कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ और जाते हैं जब तुम्हारे न्यू मेंबर्स में लड़का नाम का प्राणी ना हो। अब देखो, अगर तुम्हें फैन सर्विस भी देखना पसंद है तो इस एनिमे के अंदर वो तुम्हें हर एपिसोड में मिल जाएगी। तो अगर तुम्हें हारेम विद फैन सर्विस चाहिए तो इसे ट्राई करो। नंबर 14, ओरिसुकी। ये कहानी शुरू होती है कहानी के मेन हीरो किसारागी के साथ, जो कि असलियत में मेन हीरो नहीं है, बस उसको ऐसा लगने लगा है वो इस रोमांटिक कॉमेडी का मेन हीरो है। क्योंकि हाई स्कूल का सेकंड ईयर शुरू होते ही ये कैसे हुआ है वो नहीं पता, लेकिन अभी उसे दो दिन में दो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़कियों को डेट करना है। एक है स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट और एक है उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आओई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है जो किसारागी को बिल्कुल नहीं पता। इन दोनों लड़कियों ने इसे इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो इसे पसंद करती है, उन्होंने इसे इनवाइट किया है क्योंकि उन्हें इसके बेस्ट फ्रेंड पर तीर चलाने हैं, उन्हें तो इसकी एडवाइस चाहिए। अब पहले तो इस लड़के के लिए 2 मिनट का मौन हो जाए। अब देखो, ये किसारागी की स्टोरी का एंड नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी, वो बात अलग है। इस सब के बाद उसे खुद से कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन एक लड़की है जो काफी पॉपुलर भी है और वो सच में किसारागी को पसंद करती है। तो अब क्या किसारागी सच में हीरो बन पाएगा, देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। नंबर 15, डेनमाची। इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप गर्ल्स इन डंजियन। ओरारियो सिटी में बहुत सारे एडवेंचरर्स रहते हैं और इन्हीं एडवेंचरर्स में शामिल है वैन क्रैनल। वैन हेस्टिया फैमिली का इकलौता मेंबर और सबसे कमजोर हंटर है, लेकिन वैन ने अभी एक नई स्किल अचीव की है जो उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर पर्सन बना सकती है। पर इस स्किल को एक्टिवेट रखने के लिए उसे आइज के लिए अपनी फीलिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अब बात आती है, ये आइज कौन है? तो आइज वो है जिसने वैन की डंजियन में एक मॉन्स्टर से जान बचाई थी, और तभी वो पहली बार था जब
जब बेल ने आइस को देखा था और देखते ही कुछ बिजली सा था जो उसकी बॉडी में दौड़ गया। बस उसी टाइम से बेल का पहला और आखिरी टारगेट लेवल अप करते हुए इतना स्ट्रॉन्गर पर्सन बन जाना है जिसके बाद वो आइस के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और इस दुनिया को मॉन्स्टर्स से प्रोटेक्ट कर सके। अब देखो इस एनिमे के बहुत सारे सीजन है और बहुत सारे सीजन में बहुत सारी गर्ल्स है, तो इसके अंदर तुम्हें किस लेवल पर हारे मिलेगा वो तुम समझ ही सकते हो। नंबर 16 मासामुने कुन्स रिवेंज। तो यार इस एनिमे के बारे में मैं काफी बार बता चुका हूँ लेकिन क्या करूँ, फिर से बताना पड़ रहा है क्योंकि बढ़िया एनिमे है ये। पर हाँ, इसमें हारेम वाला सीन आते आते इसका पहला सीजन एंड हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें सेकंड सीजन के अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। अब ये स्टोरी है एक चूबी लड़के की जिसको सब बुली करते थे लेकिन एक लड़की थी जो उसके साथ अच्छा बिहेव करती थी, जिसके बाद वो लड़का भावनाओं में बह गया और पहुंच गया फूल लेके उसे प्रपोज करने, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस लड़की ने उसे सुअर कह के वहां से भगा दिया, जिसके बाद शुरू होता है जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को। उस दिन के बाद वो लड़का डाइटिंग शुरू करता है, जिम जाता है, अपना नेम चेंज कराता है, उसी स्कूल में एडमिशन लेता है जिसमें वो पढ़ती है और प्लान करता है पहले इसको अपने प्यार में गिराएंगे और जब वो फाइनली एक्सेप्ट करेगी तब उसको रिजेक्ट करके अपना बदला पूरा हो जाएगा। इस एनिमे के दो सीजन है ये मैंने तुम्हें बता दिया, सेकंड सीजन के लास्ट एपिसोड में जाके इसकी स्टोरी कंक्लूड हो जाएगी, तो अगर तुम्हें इसको पूरा कंप्लीट करना है तो इसके दोनों सीजन तुम्हें देखने होंगे। नंबर 17 गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। नाओया जो कि अपनी क्लासमेट नाकी को बचपन से पसंद करता है और ना जाने कितनी बार नाकी उसका लव कन्फेशन रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन आज जब फाइनली उस लड़के की जीत हुई क्योंकि नाकी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, तभी आज ही के दिन शाम को उसकी क्लासमेट नागीसा भी आके उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही है। नाओया उसको मना तो करता है लेकिन नागीसा के बार बार इंसिस्ट करने पर वो एक बवाल आइडिया के साथ आता है। वो डिसाइड करता है वो दोनों ही लड़कियों को एक ही घर में अपने साथ रखेगा, तो दो लड़कियां जो कि आज ही रिलेशनशिप में आई हैं वो भी एक ही लड़के के साथ। अब वो दोनों ऐसा क्या क्या करेंगी जिससे सामने वाली के कंपैरिजन में नाओया का अटेंशन उन्हें ज्यादा मिले, वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। लेकिन समझने वाली बात ये है, यहाँ लोगों से एक एक नहीं संभल रही, ये जवान दो दो कैसे संभालेगा और वो दोनों एग्री कैसे कर गई इसके दो गर्लफ्रेंड वाले आइडिया पर, यही है वो सारे सवाल जो तुम्हें इस एनिमे के अंदर मिलेंगे। तो देखो इस एनिमे को और इनके आंसर्स पता लगाओ। नंबर 18 ब्लूम इनटू यू। ब्यूटीफुल एनिमेशन, म्यूजिक एंड स्टोरी लाइन, इन तीनों को मिला दो तो बनता है ब्लूम इनटू यू। हाई स्कूल स्टूडेंट यू को हमेशा से ही सोजो मांगा पसंद रहे हैं और वो उस दिन का इंतजार कर रही है जब उससे भी कोई आके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, लेकिन जब फाइनली उसका एक क्लासमेट उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके बाद यू डिसअपॉइंट हो जाती है एंड कंफ्यूज भी हो जाती है। और उस लड़के को सही तरीके से सॉरी कहने के लिए वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट टोको ननामी के पास पहुंचती है, लेकिन यहाँ हो जाती है प्रॉब्लम, अगला इंसान जिसने यू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी है वो और कोई नहीं खुद टोको है। तो अगर तुम्हें सोजो या एनिमे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये काफी सही एनिमे है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, अगर तुम इसे देखने जाते हो तो तुम्हें 16 चैप्टर इसका मांगा रीड करना होगा, क्योंकि ये एनिमे ऐसे एंड होगा जैसे कोई मूवी इंटरवल पर बंद हो जाए। इसके मांगा में टोटल 32 चैप्टर है जिसमें से 16 तो एनिमे में मिल जाएंगे और 16 तुम्हें रीड करने होंगे, जिसमें कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें गूगल पर बस ऐसे सर्च करना है ब्लूम इनटू यू मांगा रीड ऑनलाइन। नंबर 19 पर आता है चेन सोल्जर। तो ये एनिमे रहा उन लोगों के लिए जिन्हें एक एनिमे के अंदर स्टोरी भी देखनी है, एक्शन भी चाहिए, हारेम भी होना चाहिए और वो एनिमे की सुंदरता भी कम ना हो। समझ रहे हो ना किस सुंदरता की बात कर रहा हूँ। तो जापान में कई जगह कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं जो कि इस दुनिया को एक ऐसी दुनिया से जोड़ रहे हैं जहाँ मॉन्स्टर्स मौजूद है, तो कुल मिला के इंसानों के लिए ये काफी खतरे की बात हो गई थी। लेकिन अब कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे अर्थ पर रह रही फीमेल्स के पास सुपर पावर्स आने लगे हैं, तो वो इन पावर्स का यूज करके सभी को बचा सकती हैं। और ये जो इतना कुछ हो रहा है इसी सब के बीच में है हमारा हीरो जो कि एक मॉन्स्टर के चक्कर में पड़ गया था और जिस लड़की ने उसकी जान बचाई उसने उसे अब अपना गुलाम बना लिया है। वो मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए उसकी एनर्जी खींच रही है, बस उसका एनर्जी खींचने का तरीका काफी कैजुअल है। नंबर 20 पर जो एनिमे है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई ऐसा अच्छा एनिमे तो होगा जो मुझसे मिस हो गया होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर जिससे मुझे याद आ जाए। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।